हम में से हर एक मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है। संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो असफल होना चाहता हो। लेकिन क्या हम सभी सफल हो पाते हैं? एक व्यापारी भी सफल होना चाहता है। बीज की बुआई करने के बाद एक किसान भी अपने खेती में सफल होना चाहता है। एक मजदूर भी अपने काम को करते समय उसकी आकांक्षा भी सफलता की है। सबको छोड़िए, घर में जो काम करने वाली मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, वो भी क्या चाहती हैं? भले ही सब्जी बना रही हूँ, लेकिन उस सब्जी में भी सफलता की आकांक्षा है कि जो सब्जी खाए वो सब्जी की तारीफ तो करे। हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, वो बालक हो, वो वृद्ध हो, वो स्त्री हो, वो पुरुष हो। लेकिन हम सफल हो क्यों नहीं पाते? ऐसी बहुत सी स्टडीज आई हैं जो ये बताती हैं कि बहुत कम लोग जीवन में सफल हो पाते हैं। पुरुषार्थ सब करते हैं, सफलता की तरफ अग्रसर सब होते हैं, लेकिन सफलता का प्रतिशत वो बहुत कम है। आज इसे ही थोड़ा समझने की कोशिश करें। सफल होने के लिए जीवन में दो चीजों की आवश्यकता है। एक पे तो हम सब बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरे पर हमारा कोई ध्यान होता ही नहीं है। सफल होने के लिए दृष्टि का होना आवश्यक है। यह दृष्टि क्या है? बोले यही ज्ञान है। हर व्यक्ति कहता है जीवन में सफल होना है तो व्यक्ति के पास ज्ञान की आवश्यकता है, और इसलिए इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस, ये सारे खुले, क्योंकि यह आपको ज्ञान से संपन्न करते हैं, यानी आपको दृष्टि प्रदान करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया, सिर्फ दृष्टि से ही जीवन में सफलता नहीं मिलती। दृष्टि के साथ साथ एक और भी चीज आवश्यक है, जिसे कहा गया दर्पण। जीवन में सफल वो नहीं होता जिसके पास सिर्फ 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 दृष्टि होती है। जीवन में सफल वो होता है जिसके पास दृष्टि के साथ साथ एक दर्पण भी होता है। ये दर्पण क्या है? बोले दर्पण वो है जिसमें आप स्वयं को देखते हो। ये सारा शरीर, सारा संसार देख सकता है, लेकिन जब अपना ही मुख देखना हो तब आवश्यकता पड़ती है एक दर्पण की। जो दृष्टि सारे संसार को देखती है, क्या अद्भुत भगवान ने इसको बनाया, यह स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। दर्पण क्या है? एक छोटा सी घटनाक्रम बताऊं तो आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके किसी मित्र ने कहीं कोई नया मकान लिया और उस मकान के गृह प्रवेश पर आपको आमंत्रित किया। अब वो नया विकसित हो रहा शहर है, आपने मैप में यह तो देख लिया कि आपके मित्र का वो फ्लैट कहां है, किस टावर में है, कहां पर है। फ्लैट को तो आपने लोकेट कर लिया, टावर तो लोकेट कर लिया, लेकिन क्या इससे ही आप वहां पहुंच जाएंगे क्या? बोले नहीं। उस मैप में ये आपने देख लिया कहां जाना है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है आपको जाननी चाहिए, और यही सूत्र है। तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती जब तक आप ये न जान जाएं कि उस मैप में उस समय आप कहां स्थित हैं। दर्पण वही है। हम सब दृष्टि को विकसित कर रहे हैं कि हमें जाना कहां है, लेकिन दर्पण वो है जो बताता है कि हम कहां हैं। दृष्टि ये बताती है हमें पाना क्या है, दर्पण वो बताता है कि हमारे में कमी क्या है। दृष्टि ये बताती है हमारे पास कौन सी क्षमता है, दर्पण ये बताता है कि हमारी कमजोरी क्या है। जब जीवन दृष्टि और दर्पण दोनों से मिला होता है, जब जीवन में दोनों ही होते हैं, तब व्यक्ति सफल होता है। सोचिएगा जरूर।